हेलो। हाँ हेलो भाई, सुनील बोल रहे हो? ढोलक मास्टर जी, आप कौन सर बोल रहे हैं? भाई, मनीष बोल रहा हूँ। जी सर बताइए, मैं ये कह रहा हूँ, ये क्या यूट्यूब पे बवाल चल रहा है भाई? आपने रिकॉर्डिंग तो सुनी होगी। तो हाँ सुनी है मैंने। हाँ जब आपने सर रिकॉर्डिंग सुनी है तो आपको सारा चीज़ पता लग गया होगा, क्या है क्या नहीं है। पता तो लगा है, लेकिन ये चीजें, इससे समाज में क्या प्रभाव पहुंच रहा है? समाज कितना दूषित हो रहा है इन चीजों से? एक बात बताइए, आप एक नाल बालक हैं, आप भी एक सरस्वती, आपके ऊपर भी सरस्वती की बड़ी कृपा है, और ये व्यास मंच जो है, व्यास मंच पे बैठने के लिए बहुत हमारे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो रहे हैं, तब इस जन्म में हमें तुम्हें ये व्यास गद्दी पे बैठने का मौका मिल रहा है। भैया मनीष जी, सर मेरी एक मिनट आप बात सुनिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हर इंसान ये काम कोई जानबूझ के करता है? नहीं, जानबूझ के ही करता है। क्यों जानबूझ के कैसे करता है सर, मुझे आप ये बताएं, जानबूझ के क्यों नहीं करता मुझे बताएं, कुछ तो बताएं मुझे आप। है? आपने उस लड़की से प्यार किया होगा, जानबूझ के किया होगा? नहीं, अनजाने में प्यार हो गया? अनजान अनजान में में कैसे हो जाएगा भाई? भाई जैसे आप अगर कहीं फंस जाओ फिर आप क्या करोगे? जो कोई इंसान आपको ये धमकी दे रहा है कि आपने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, जहर खा जाऊंगा, ये नौबत आई कैसे? ये तो पूरी स्टोरी बताने के लिए आपने उसमें रिकॉर्डिंग में सुना होगा शायद, तो पूरी वो स्टोरी बताने के लिए बहुत समय चाहिए। नहीं सुनील भाई, देखो, वहां तक समय आने पर कि मैं मर जाऊंगी या जहर खा सुनो लूंगी, सुनो, एक मिनट यहां मेरी बात तक सुनिए, मैं। आप सुनिए, जो आप कह रहे हैं ये समाज दूषित हो रहा है, मैं खुद ये इस बात को जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ इस बात को, लेकिन हर इंसान की मजबूरी होती है, मजबूरी में ही वो ये काम करता है कि हाँ मैंने ये नहीं चाहा है कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूँ या इसका कुछ अपमान करूँ। ठीक है, इसने मुझे इधर उधर लड़कों को दारू पिला पिला के मेरा नंबर दे दे कर इसने मुझे गाली दिलवाई है, समझ ठीक है। रहे? और जब इसने गाली दिलवाई तो मैंने इससे खुद कहा है, मैंने ये कहा कि एक बात बताओ भाई, जब तूने मुझसे कोई मतलब नहीं रखा है, मेरा इसमें 3,92,000 रुपए है, ठीक है, और जो लोग रिकॉर्डिंग में दे रहे हैं ये नाल वादक, ये चिमटा वादक है, ये बिगड़ पड़े लोग हैं, तो जो पढ़ा लिखा हो वो मुझसे बात करें, इधर उधर क्यों रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं? इससे कुछ नहीं होना है, केवल सत्य को समझो, सत्य कभी पराजय हो सकता है? कभी नहीं होगा। नहीं, आपने इतना और पैसा उसे दिया क्यों? सुनो सुनो, मैं हर बात का जवाब दूंगा, हर बात का मेरे ऊपर जवाब है, मेरे पास जवाब है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि एक बात बताओ, ठीक है, विश्वास देकर के अगर किसी के साथ में विश्वासघात कर दो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं, गलत है, है, किसी को 20 दे दो, विश्वास मंद दो। लेकिन मैंने इससे कहा, मैंने कि भाई तू मेरे पास इधर उधर से फोन करवा के मुझे क्यों गाली दे रही है, अब मैं तेरी रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल शांत बैठ गया, मैंने कि मुझे जब तुझसे कोई मतलब नहीं, आराम से चुपचाप बैठा हूँ अपने घर पे, न तेरी कहीं चर्चा करता हूँ न कोई बात। तो इसने कहा कि रिकॉर्डिंग डाल के तुम्हारी बार उखाड़ लेना, समझ अरे ठीक, रहे हो? तब मजबूर होकर के मैंने रिकॉर्डिंग इसकी डाली है, ठीक नहीं वो लड़की है, तो बदतमीज है ही। नहीं अगर समाज को ये दिखाई दे रहा हो कि लड़की ये बदतमीज है, सब भैया दो लड़के एक एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप फिर कहना, मैं आपकी सुनूंगा। देखो ठीक है, अगर मैं गलत है तो जनता मेरे साथ नहीं होती, आपने कमेंट देखे हुए हैं, सारा कुछ देखा मैंने। देखा है, जनता मेरे साथ नहीं होती, हर इंसान जाता है जानता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, इस लड़की ने, मैं घर से बेदखल हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ इसके पीछे, नहीं, मैंने ये ठीक है। सुना है आप शादीशुदा हैं। हाँ जी मैंने ये सुना है आप शादीशुदा हैं। जी आप शादीशुदा होने के बावजूद भी आपने किसी गैर लड़की से प्रेम किया, ये आपकी बहुत बड़ी कमी रही। देखो, हम कमी आपको बताएंगे, आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, मैं थोड़ा नहीं सुनील नहीं भाई, मैं सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप, सत्य बात मुझे कभी बुराई नहीं लगती है, सुनील, तो मुझे मैं सत्य लगता बोलने का वचन दे चुका हूँ, और झूठ कभी बोलता नहीं हूँ, और सत्य बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुनील, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे होंगे। मैं मनीष शास्त्री, सैला रेटा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप पहचान में आ रहा हूँ शायद? नहीं आवाज़ इसका, आपका नंबर इसमें कॉलर आईडी में लेके आ रहा है ना, नाम आपका। अच्छा, जी तो मैं, देखो, आपकी सबसे पहली गलती रही, जब हम शादी संबंध करते हैं तो भाई वचन दे करके आते हैं कि हम तेरे सुख दुख में भागीदार होंगे। जी आपने पत्नी, अपनी सबसे पहले आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया, अपने माता पिता की बात को नीचा किया, इसमें ही आपकी कमी है। बोलते रहिए, बोलिए आप।
ये आपकी कमी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने जिसके साथ हमने सात फेरे लिए हैं, सबसे पहले हमें उसे देखना चाहिए, उसके बाद में अपने बच्चों को देखना चाहिए। आपने 2 लाख या 3 लाख 92 लाख कितने 92 हज़ार कितने भी पैसे दिए, यही पैसे आपने अगर अपनी पत्नी को दिए होते तो आज आपकी पत्नी आपसे कितनी खुश होती। ये बात आपकी सही है, ये बात मैं भी जानता हूँ। हाँ, आप उसमें भ्रमित हुए, ये सबसे पहली गलती रही उस लड़की की नहीं आपकी। क्यों कि अगर उस कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट नहीं पड़ता तो आज ये लकड़ी कट रही है, वो कटती नहीं। आज जो तुम दब रहे हो, पिच रहे हो, वो आप अपनी गलती से ही हो रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आपको ये कदापि नहीं करना चाहिए था, वो आपने किया। उसके बाद में अब वो लड़की ने धोखा दिया आपको, आपको सब कष्ट हुआ। नहीं, धोखा दिया इसमें मुझे कष्ट नहीं हुआ। नहीं देखो, धोखा देने वाले को धोखा मिलता है। आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया, उस लड़की ने आपको धोखा दिया। और कुछ कहोगे आप? मैं यही कहूंगा। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे कोई इंसान ये कहता है अपने घर वालों के सामने, ये कहता है कि उस इंसान के संग मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद में वो इंसान अपने घर अगर उसे बुलवाए और किस्म उठा करके वो इंसान अगर ये कहलवाए कि मेरे घर को ये नहीं बताओगे कोई बात। हेलो, हाँ अब रुक जाओ, हमने नहा लें, उसकी बाद आपसे निश्चय में बात करें हम फुर्सत हो करके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फुर्सत में बात आपसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे बात। मुझे किसी का डर नहीं है, जब मुझे कोई कर नहीं तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। आपको ठीक है, अपनी बात रखनी चाहिए, बात रखने में क्या है, आप अपनी बात रखें जो भी है, और हुआ तो मैं उस लड़की से ही बात कर सकता हूँ भाई। नहीं, आप करना या ना करना, जिन कितने हमारे भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, जो बात सत्य है वो बात कभी सत्य को हम छिपाते नहीं है।